हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता एक्सपीरियंस ऑनलाइन क्लासेस में। आज के क्लास में हम लोग पार्टनरशिप सगीर अहमद बुक का 24 नंबर सवाल से देखेंगे। इससे पहले मैं जो कुछ भी बताया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर आई बटन पे लिंक है, वहाँ से देख लो, शुरू से देखो वीडियो। अगर आपने शुरू से नहीं देखा है तो इससे क्या होगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपका कोई भी एग्ज़ाम है वहाँ पर इस तरह की क्वेश्चन आपको सॉल्व करके कर जाते हैं तो बहुत ही सुविधा होगा बनाने में और अच्छी से तैयारी हो जाएगा। मैं पूरी बुक खत्म कर रहा हूँ। अगर आप हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। और लाइक कमेंट करना नहीं भूलेंगे। आपको कैसा लगा कमेंट करके लास्ट में जरूर बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 24 नंबर सवाल क्या कहता है, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, क्वेश्चन कहता है कि ए तथा बी एक व्यापार में क्रमशः 5,000 रुपया व 2,500 रुपया लगाते हैं। 4 महीने के बाद ए और उसके 4 महीने के बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेते हैं। 1 साल के अंत में 1,950 रुपया का लाभ होता है, तो ए का हिस्सा क्या होगा। आसान क्वेश्चन है। आपको इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, ए की पैसा और बी की पैसा को रुपया और यानी कि देखो रुपया को समय के अकॉर्डिंग लिखना पड़ता है यहाँ पे। तो ए की पैसा और बी की पैसा को आप कैसे लिखोगे, तो देखो पहले रुपया लिखना है फिर समय लिखना है। आपको पिछले पार्ट में बताया गया था लाभांश का अनुपात रुपया गुना समय अनुपात रुपया गुना समय के अनुसार चलना है। तो हमको पहला जो पैसा दिया हुआ है रुपया का, कितना पैसा दिया शुरू में, 5,000। ए का पैसा है 5,000 और बी का पैसा है 2,500 रुपया। ठीक है, यहाँ तक तो हमको ठीक लगा। अब इसको जो है ना, इसका पैसा देखो कितने समय तक रहा और इसका पैसा कितने समय तक रहा। तो शुरू के उसके बाद जो लाइन है, शुरू के लाइन के बाद 4 महीने के बाद ए और उसके 4 महीने के बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। तो 4 महीने तक तो इसका पैसा रहा और 4 महीने तक में कितना हो जाएगा इसका पैसा, 5×20 और 3 0 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और 4 महीने तक का हो गया। और 4 महीने के बाद ये जो है यानी कि ये भी इसके 4 महीने के बाद, तो इसके 4 महीने के बाद कितना पैसा रहा इसका, 8 महीना तक कितना हो जाएगा, 25×4 होता है 100, तो 25×8 हो जाएगा 200, यानी कि 200 डाल दिए यहाँ पे और 2 0 डाल दिए यहाँ पे। तो ये हमारा यहाँ तक का बात हो गया। लेकिन आधा पूंजी करके निकाल लिया, अगर ये आधा पूंजी निकाल लेगा तो कितना बचेगा इसके पास, 5,000 का आधा कितना होगा, 2,500 रुपया। यानी कि 2,500 का ये कितने महीने के लिए रहेगा, 8 महीने के लिए, क्योंकि साल भर का दिया है ना, तो 4 महीने तक का लिखे अब उसके बाद 8 महीना लिख देंगे। अब देखो तो 25×8 कितना था, 25×100 तो पहले 200 लिख दो और फिर इसका 2 0 यहाँ डाल दो, ये हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हुआ, ये आधा पूंजी ले लिया है यानी कि 1,250 रहेगा अब इसके पास, और ये कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए। आप इसको गुना कर लेना, 4×0 0 ऐसे कर सकते हो, देखो ध्यान से, 4×100 400 और 2,500 × 100 तो यानी कि 500 हो जाएगा, यानी कि 5,000 कुछ होगा। तो गुना कर लो, 4×0 0 4×5 20 की 02 4×2 8 9 10 की 0 से लेकर 4×1 5 हाँ 5,000 हो गया। अब इसको अब जोड़ लो और इसको भी जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, 2×2 9 4 2×2 4 1×2 3 4 और यहाँ हो जाएगा 2,500। ठीक, अब यहाँ से देखो ये 3 0 कटेगा, ये 3 0 कटेगा। ठीक है, 5 से कटा लो, 5×8 = 40 5×6 = 25 तो देखो ध्यान से 8:5 में दोनों का लाभांश का अनुपात आया। 8:5 के अगर रेशियो में आ रहा है पैसा तो टोटल लाभ कितना है, तो दोनों का लाभ दिया है क्वेश्चन में आपका 1,950। 1,950 लाभ देने का मतलब हुआ 8×5 = 13 यानी कि 13 यूनिट का मान हमको दिया हुआ है 1,950, क्योंकि वो दोनों का पैसा है 1,950, इसलिए दोनों के रेशियो को लाभांश का अनुपात को जोड़ दिए। अब किसका पैसा चाहिए, तो लास्ट में बोला एक का हिस्सा चाहिए हमको 8 यूनिट, यानी कि 8 यूनिट निकालना है, यानी कि ए निकालना है। तो आप क्या करो, इसको 1,950/13 गुना 8 कर देना, आंसर आ जाएगा 13×1=13 कितना बचेगा यहाँ पे, 6×13=65 150×8=15 20 यानी कि 1,200 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं 24 नंबर सवाल को, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि अरुण ने 1,20,000 रुपया लगाकर एक व्यापार शुरू किया। प्रभात ने 4 माह बाद 1,60,000 रुपया लगाकर साझेदारी कर ली। वर्ष के अंत में प्रभात और अरुण अपना लाभ किस अनुपात में बांटेंगे। देखो लाभ का अनुपात बांटना है तो क्या करोगे, लाभ का अनुपात बांटने के लिए आपको क्या रूल बताए हैं, लाभ का अनुपात पिछले वीडियो में आपको बताया गया था, क्या करना, रुपया गुना समय
अनुपात रुपया गुना समय, ये हमारा लाभांश का अनुपात होता है। तो एक बात बताओ, कितना रुपया लगाया पहले यहाँ पे, दो अरुण ने और किसने लगाया 1,20,000 और प्रभात ने, तो अरुण को ए लिख दो, प्रभात का पी लिख दो। और इसने कितना लगाया, अरुण ने लगाया 1,20,000, 1,20,000 गुना कितने समय के लिए, तो 1 साल के लिए अनुपात दे दो। उसके बाद 4 महीने के बाद गया 1,60,000 लेके, 1,60,000 लेके कौन गया, प्रभात ले गया। कितने समय के लिए, चूंकि 4 महीने बाद गया ना, ये 8 महीने के लिए गया। अब इसको सॉल्व करो, लाभ का अनुपात आएगा। देखो 4 जीरो यहाँ है, 4 जीरो यहाँ है, कट जाएगा ये, ठीक है। अब कटा लो, 4 से कटा लो, 4 तिया 12, 4 चौक 16, ठीक है, 4 तिया 12। अब देख लो, यानी कि 3 तिया 9 अनुपात 8 हो गया। तो ये तो अरुण का है, और ये प्रभात का। क्वेश्चन की लास्ट लाइन को जरूर पढ़ना, वहाँ पे मिस्टेक हो जाता है। वर्ष के अंत में प्रभात और अरुण का अपना लाभ किस अनुपात में, प्रभात और अरुण का, तो पहले प्रभात का फिर अरुण का, यानी कि प्रभात और अनुपात अरुण का हो जाएगा 8:9 आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ों पर आप ध्यान देना, ऐसा नहीं करना 9:8 खोज के मार दिए, और अगर ऐसा ऑप्शन है भी तो आपका गलत हो जाएगा ये, ठीक है। तो लास्ट लाइन को जरूर पढ़ लेना। तो चलिए 25 नंबर सवाल हम लोग बना दिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर सवाल क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि नीरज ने 45,000 रुपया लगाकर एक व्यवसाय आरंभ किया, सुबह 6 मास के बाद 60,000 रुपया लगाकर और अनीस 1 वर्ष के बाद 1,00,000 रुपया लगाकर उस व्यवसाय में शामिल हो गया, 2 वर्ष के समाप्ति के बाद प्राप्त किए गए लाभ को नीरज, सुबोध एवं अनीस के कर्मशः किस अनुपात में बांटा जाएगा। आसान क्वेश्चन है, देखो इस तरह के क्वेश्चन को आपको कैसे बनाना है, यहाँ पे 3 नाम से रिलेट कर रहा है, तो नीरज और क्या नाम है, सुबोध, और क्या नाम है, अनीस। तो नीरज को एन लिख देना, सुबोध को एस लिख देना, और अनीस को ए लिख देना, ठीक है। अब सभी के पैसे को लिखना है, और क्या लिखना है, समय को लिखना है। ये बहुत ज़रूरी होता है इस तरह के क्वेश्चन को समझने के लिए, कि 45,000 अगर ये लगा रहा है तो ठीक है, हम 45,000 लिख दिए, ठीक है। अब ये कितने समय के लिए लगा रहा है, तो देखो लास्ट में 2 वर्ष की समाप्ति के बाद, और इसने तो कुछ किया ही नहीं है, तो इसका पैसा टोटल 24 महीने के लिए रह गया, ठीक है। फिर रेशियो डाल देना यहाँ पे। फिर अगला जो आदमी आया है वो सुबोध 6 मास के बाद आया है 60,000 लेके, 60,000 इसका लिख देंगे सुबोध का, और 6 माह के बाद आया, अगर 24 में 6 चला जाएगा तो 18 महीने के लिए अपना पैसा लगा रहा है, और फिर रेशियो डाल देंगे। और फिर अनीस का देख लो कितना लेके आया, 1,00,000 रुपया, 1,00,000 लिख दो, और ये कितने समय के लिए लाया, 10 और लगाना होगा ना, कितने समय के लिए लाया, तो ये 1 साल के लिए, मतलब क्या कहता है वहाँ पे लास्ट का लाइन, देखो 60,000 रुपये लगाकर और 1,00,000 रुपया लगाकर उसमें शामिल हो गया 1 वर्ष के बाद, ये चूंकि 1 वर्ष के बाद हुआ है अनीस ना, तो ये हुआ है 12 महीने के लिए, ठीक है। चूंकि महीना में लिखे हो ना, सबको महीना में लिखना। अब देखो इसका 3 जीरो कटाओ, पहले न्यूनतम देख लेना तब कटाओ ना, 3 जीरो और 3 जीरो कटा लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो जो कटने लायक है कटा लो, 12 1 कम 12, 12 5 60, 12 2 9 24, टोटल एक साथ कट गया, और कटा लो 5 से कटा लो, देखो 5 9 45, 5 1 कम 5, 5 2 9 10, ठीक है। और कटने लायक है, अगर 2 से कटने लायक है तो कट जाएगा, देखो 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 धंग 20, ठीक है। तो क्या हो गया, 9 गुना 1, तो 9 हो जाएगा अनुपात, 9 गुना 1 तो क्या हो जाएगा, 9 अनुपात, और ये हो जाएगा 10, 9 अनुपात 9 अनुपात 10 आपका आंसर होगा इसका लाभ का, ठीक है। और ये आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हो, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, 26 नंबर सवाल क्लियर है। अगला क्वेश्चन 27 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि शोभा ने 1,00,000 रुपया के साथ एक व्यवसाय की शुरुआत की, वीरेन 3 महीने के बाद 1,20,000 रुपया के साथ उसके साथ सम्मिलित हो गया, और अगले 6 महीने के बाद पंकज 1,08,000 रुपया की राशि के साथ उसके साथ सम्मिलित हो गया, शोभा के व्यवसाय की शुरुआत के 2 साल बाद लाभ की राशि को शोभा, वीरेन तथा पंकज के किस अनुपात में विभाजित किया जाना चाहिए, ठीक है। शोभा के व्यवसाय, देखो लास्ट का लाइन में ना वही आपको लाभ का ही निकालना है अनुपात, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए वही रूल अपनाइए जो पिछले क्वेश्चन में आपको बताए थे। सबसे पहले बात आपका नाम पे ध्यान दो, शोभा का है और किसका, वीरेन का है और किसका एक है, तो
पंकज है। शोभा, वीरेन और पंकज, तो शोभा लिख दो, वीरेन लिख दो और पंकज लिख दो। इन तीनों के पैसे को अरेंज करना है उसके समय के अकॉर्डिंग। तो पहले तो 1 लाख रुपया लगाया है इसने, अगर 1 लाख रुपया लगाया है तो कितने महीने के लिए लगाया है वो पता कर लो। तो देखो ध्यान से कितना साल की बात किया है, लास्ट में कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा 2 साल के बाद, तो 2 साल का मतलब ये 24 महीने के लिए लगाया, ठीक है, रेशियो लगा दो। फिर अगला आने वाला आदमी कौन आया, 3 महीने के बाद वो आ गया 1,20,000 लेके। तो वीरेन आया है 1,20,000 लेके 3 महीने के बाद, 24 में 3 जगह तो 21 बचेगा। और फिर अगला जो आया है वो आया है अगले 3 महीने के, अगले 6 महीने के बाद, तो 3 महीना इसका और अगला 6 महीना वो खुद उसके बाद, तो 9 महीनों के बाद आया। तो इसका मतलब हो जाएगा 24 में 9 जगह कितना बचेगा, 15 बचेगा। और कितना पैसा लेके आया है, 1,08,000। तो 1,08,000 रुपया को गुना कर दो 15 से, ठीक है। 15 कहाँ से लिखे हैं तो आपको पता होना चाहिए, 24 माइनस 9, 9 कहाँ से लिखे हैं, 3 प्लस 6, इसके 3 यहाँ से और प्लस 6 फिर जोड़ देना 9, ठीक है, ये आपको समझना होगा। तो यहाँ पर अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो ध्यान से, अधिकतम 3 जीरो सब में दिख रहा है हमको, कटा दिए 3 जीरो, ठीक है। उसके बाद अब इसको कैसे कटाओगे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 12 दूना 24, 12 एकम 12 10 और बरनामा 8 लूतर से, ठीक है। अभी भी कटने लायक कहीं है तो देखो पता करो कटेगा, ठीक है। तो अगर हम इसको 2 गुना 100 हो जाएगा, यहाँ देख लेते हैं 210 हो जाएगा, ठीक है, और अनुपात हो जाएगा 15:9 35 से 135 हो जाएगा। 5 से कटा लो, 5 चौके 20, ठीक है, कट गया 40 हो गया अनुपात। 5 से कटा लो, 5 चौके 20, 5 दुना 10, 5 से कटा लो, 5 दुना 10, ठीक है, 3 बचा 5 7 35, ठीक है, 40 42 27 अनुपात है, 40 42 27 आपका 4 नंबर ऑप्शन हो गया। तो आंसर इस तरह से आप ला सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो कहता है कि ए और बी ने 3:5 के अनुपात में कुछ धन लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 6 महीने के बाद उसमें सी भी बी के बराबर धन लगाकर सम्मिलित हो गया। ए बी और सी वर्ष में के अंत में होने वाला मुनाफे को किस अनुपात में वितरित किया जाएगा। आसान क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, सबसे पहले ए और बी को लिख लेना है, ए और बी अनुपात और एक सी है सी, ठीक है, पैसे को और रुपये को यानी कि समय को दोनों को अरेंज कर देना, आंसर आ जाएगा उसका मुनाफे का अनुपात। क्या करना है देखो ध्यान से, ए और बी 3:5 है तो ये भी 3 और ये भी 5 है, लेकिन ये वाला की बात अगर करें तो देखो ध्यान से क्वेश्चन में कहता है कि वर्ष के अंत में, तो वर्ष के अंत में तो ये तो 12 महीने के लिए रहा होगा, ये भी 12 महीने के लिए रहा होगा, लेकिन ये जो है सी जो है ना बी के बराबर ही पैसा लिखा हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, सी भी बी के बराबर धन, तो बी के बराबर बी का धन कितना है 5 है, तो 5 लिख दिए, और 6 महीने के बाद गया तो इसका मतलब 12 महीनों में 6 महीना चला गया, तो कितना बचा 6 महीना, गुना 6 कर दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर रहेगा 6 कम 6, 6 दुना 12, 6 दुना 12, ठीक है, इसको कर लो सॉल्व, 3 दुना 6 अनुपात, 5 दुना 10 अनुपात, 5 एकम 5, 6 10 5 मेरा आंसर आएगा। और कितना ऑप्शन है तो नंबर ए में आपका ये आंसर है, तो 28 नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 29 की बात करें तो क्वेश्चन कहता है कि ए बी तथा सी ने साझेदारी में कोई व्यापार शुरू किया। ए ने शुरू में 25 लाख रुपये लगाए एवं 1 वर्ष बाद 10 लाख रुपये और लगा दिए। बी ने शुरू में 35 लाख रुपया लगाए, 2 वर्ष बाद 10 लाख रुपया निकाल लिए। सी ने 30 लाख रुपया लगाए, 3 वर्ष के अंत में किस अनुपात में लाभ बांटा जाना चाहिए। देखो 3 साल की बात कर रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन होगा। आप क्या करोगे, सबसे पहले ए अनुपात, बी अनुपात, सी, ठीक है, और तीनों का पैसा को आपको रखना है रुपया गुना समय करके। पहला रुपया कितना लगाया उसने, ए ने 25 लाख लगाया और 1 साल के लगाया, तो 25 गुना 1 रुपया गुना समय। फिर क्या किया है, आगे बढ़ते हैं तो कहता है कि 1 वर्ष के बाद 10 लाख रुपया और लगा दिया, तो देखो 1 साल के बाद 10 लाख और लगा दिया, तो 25 में 10 जोड़ दोगे तो कितना होगा 35, और ये कितने साल के लिए रहा, 2 साल के लिए। क्यों रहा, क्योंकि 1 साल के बाद 3 साल में 1 साल बीत गया, तो 2 साल इतना हो गया, ये ए का पैसा हो गया, कितना हो गया 25 एकम 25 है 35 गुना 70, 25 और 70 को आप जोड़ो, 25 और 70 को जोड़ो तो कितना हो जाएगा 5 7 2 9 95 हो जाएगा ये, ठीक है, यहाँ पे हो गया। फिर हम लोग बी पे आते हैं, बी की बात करता है, तो बी कहता है बी ने शुरू में 35 लाख रुपये लगाए था 2 वर्ष के बाद, तो देखो इसने 35 लाख रुपया लगाया, 2 साल तक लगाया, ठीक, 2 साल के बाद कुछ किया है, आगे बढ़ते कितना हुआ
दो वर्ष बाद 10 लाख रुपया निकाल लिए, 10 साल निकाल, 10 लाख निकाल लो, इसमें 10 घटा लोगे तो कितना बचेगा आपका 25, और ये कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, तो कितना आएगा 35 दुना 70 और 25 कितना हो जाएगा आपका 70 और 25, 5 7 दुना 95 हो जाएगा ये। अब सी की बात करता है तो सी कहता है क्या कि सी ने 30 लाख रुपया लगाए, अच्छा चलो सी ने 3 साल के लिए लगा दिया ना, तो गुना 3 कर दो, 30 दिया क्या हो जाएगा 90, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है, 3 वर्ष के अंत में किस अनुपात में लाभ बांटा जाएगा, तो इस अनुपात में लाभ बांटेगा, ये लाभ का अनुपात होगा, कटा लो किससे कटाओगे, 5 से कटा लो, 19 पचे 95, 19 पचे 95, ठीक है, और 5 से कटा लो, 5 एक 5, 5 8 40, 18 95, 19 18 आंसर है, तो 19 18 एक नंबर आंसर है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे बनाना कोई दिक्कत नहीं है, 29 नंबर सवाल आसान है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर सवाल क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है कि ए और बी संयुक्त रूप से एक व्यापार शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखो संयुक्त रूप से मतलब होता है कि मिलकर व्यापार शुरू कर रहा है, दोनों कर्मशः 5,000 रुपया निवेश करते हैं, दोनों ए और बी ने, तो दोनों का जैसे पैसा आपको दिखे ना, तो इसका भी 5,000 लिख देना, 5,000, और इसका भी लिख देना 5,000, अब 5,000 अब जीरो डाल के भी लिख सकते हो, जीरो डाल के भी लिख सकते हो, 5,000 5,000 ऐसा कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन 8 महीने के बाद बी अपनी पूंजी का 2/5 भाग व्यापार से निकाल लेता है, देखो 2/5 निकाल लेता है 8 महीने के बाद, तो ये इसका पैसा तो 5,000 8 महीने तक रहा, और इसका पैसा जो कितने दिन तक रहा, ये साल भर रखिएगा यहाँ पे, ठीक है, लास्ट में बोला है वर्ष के अंत में। आगे बढ़ो, अब यहाँ पर हम लोग को 2/5 इसका निकाल लो, 5,000 का, ठीक है, 2/5 कितना हो जाएगा, 5 से कटा लेंगे इसमें, ठीक है, तो 5 से कटाएंगे तो 5 एकम 5, 3 जीरो, तो 2,000, यानी कि 2,000 रुपया निकाल लिया, 2,000 निकाल लिया तो कितना बचेगा, 3,000, 5,000 में 2,000 जाएगा तो कितना बचेगा, 3,000 लिख दो, और ये कब तक रहेगा, 8 महीने तक में ये काम किया है तो 1 साल रखा है तो 4 महीना, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, 12 पंचे 60,000 अनुपात में रखेंगे इसको, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा इधर 8 पंचे 40,000, और भी शॉर्ट है, पहले लॉन्ग सीख लो, 4 3 12,000, ठीक है, 40 और 12 कितना हो गया, 52,000, ठीक है, तीनों जीरो कट जाएगा, ठीक है, और इसको कटा लो, ऑप्शन देख लो किससे है, ठीक, तो 12 पंचे 60, 13 पंचे 60, देखो 30 दुना 60, 26 दुना 52, 15 दुना 60, 13 दुना 26, 15 ने 13 आंसर, 15 13, ये तो ठीक था। अगर आप यहाँ पर अगर 5,000 बोला है, दोनों तरफ अगर 5,000 बोला है, तो आप क्या करना, सीधे जीरो नहीं लिखना, जीरो आपको नहीं लिखना है, क्योंकि हम समझ जाएंगे कि जीरो ऑलरेडी मेरा वो कट जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ गलती करता है, 5,000 को 5,000 लिखता है, 5 5 दोनों तरफ लिख देना, क्योंकि 1,000 में जब भी रहे तो जीरो जीरो कट जाएगा, बराबर पैसा है। लेकिन इसके साथ ये घटना घटा कि 8 महीने तक रखा है, और अगला जो पैसा है वो 4 महीने के बाद निकाल लिया, कितना निकाल लिया, 3 महीने के बाद ना, 4 महीने के बाद, हाँ 8 महीने के बाद वो निकाला है, कितना निकाला है, 5 का कितना निकाल लिया, देखो ध्यान से, 2/5, 2/5 निकाल लिया, 5 5 कटा लो, ठीक है, तो ये 2 जो निकाल लिया, 5 में 2 जाएगा क्या बचेगा, 3, और कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए, आप ऐसे बना सकते हो, ये 5 अनुपात 8 पंचे 40 4 3 12, 40 महीने के 52 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो गया 5 से ना 12 महीने के लिए, तो 12 पंचे 60, तो ऐसे सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते इस तरह से, 31, देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है कि शेरू ने 50,000 रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, 4 माह बाद ऋषि उसके साथ उतना ही धन लगाकर शामिल हो गया जितना आरंभ में शेरू ने लगाया था, वर्ष के अंत में शेरू और ऋषि के बीच लाभ का वितरण किस अनुपात में होना चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन, क्या है, 50,000 है ना, दोनों 50,000 लगा रहा है, बताओ 50,000 में कितना जीरो, 4 जीरो, तो दोनों का 4 4 जीरो हटा देना, तो 5 अनुपात 5 ले लेना, ठीक है, यानी कि ये भी 50,000 लगाया और ये भी 50,000 लगाया, जो भी पैसा रहा होगा, शेरू ने 50,000 रुपया लगाकर व्यापार शुरू किया, 4 महीना बाद ऋषि, तो यह है शेरू का और यह है ऋषि का।
अब दोनों का हम क्यों लिखे, आपको समझा देते। देखो तो 4 जीरो इधर दोगे ना और इधर भी 4 जीरो दोगे ना तो 50,000 होगा, तो ये तो कट ही जाएगा ना, तो कट ही जाएगा रेशियो में, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो नहीं लिखेंगे, समझ जाएंगे जब उतना ही पैसा लगाता है तो संख्या लिखेंगे जीरो हटा के। अब ये कितने समय के लिए लगा वो देखो, अब 4 माह बाद ऋषि उसके साथ उतना ही धन लगाकर शामिल हुआ है, तो ये 4 महीने के बाद हुआ तो कितने साल के लिए, क्योंकि साल भर का बात है, तो ये 8 महीने के लिए गया और ये 12 महीने के लिए गया। ठीक है, तो 12×5=60,000 हो जाएगा ये, और 8×5=40। ठीक है, क्योंकि हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है लाभ का अनुपात, तो लाभ का अनुपात जो होगा ना इसको कटा लो, किससे कटाओगे तो 20 से कटा लो, 20×30=60, 20×2=40, 3:2 मेरा आंसर होगा। देखो 3:2 है, तो 3:2 आपका 4 नंबर आंसर है। क्लियर है, आसान सवाल था। अगला 32 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो कहता है कि विनय 9,000 रुपया के कुल धन में से 3,000 रुपये का हिस्सा पाया, यदि व्यापार में विनय 5,000 रुपया पूरे वर्ष के लिए लगाता है तथा सहदानंद 6 माह के लिए लगाता है, तो सदानंद की पूंजी बताएं। देखो ये क्वेश्चन यहाँ से हमने थोड़ा सा क्या हुआ कि जितना आप यूटिलाइज किए पहले के क्वेश्चन में उसी का यहाँ पे अब दिया हुआ है सोर्सेस, क्या कहाँ है। देखो जितना भी आप पढ़े थे अभी रुपया गुना समय ये पढ़ रहे थे ना, और अनुपात रुपया गुना समय, ये क्या हो रहा था, ये हो रहा था लाभों का अनुपात, लाभांशों का अनुपात जिसको हम लोग बोलते हैं, लाभांशों का अनुपात। ठीक है, अगर हम इसको दूसरे भाषा में समझेंगे तो इस तरह भी लिख सकते हैं, रेशियो बटे में कर सकता है कि नहीं, रुपया गुना समय बटे रुपया गुना समय अब बराबर लाभों का अनुपात, लाभों का अनुपात, समझ में आ रहा है। देखो हम ऐसा लिख सकते हैं, अब यहाँ पे बताते हैं कि पहला देखो 9,000 में से कुल लाभ में से 3,000 लाभ कितना हुआ, दोनों को हुआ लाभ, हुआ मेरा 9,000 रुपया लाभ हो गया। ठीक है, 9,000 रुपया लाभ में विनय को कितना मिल रहा है, 3,000 रुपया का हिस्सा पाया विनय ने पाया 3,000, विनय ने कितना पाया 3,000। ठीक है, अगर विनय 3,000 पाया तो इसका मतलब सदानंद, यानी कि सदानंद जो है वो सदानंद कितना पाएगा, सदानंद पाएगा 6,000। भाई 9,000 में 3,000 ये लिया तो 6,000 वो लेगा, तो सिंपल सी बात है विनय और इसका जो रेशियो हो जाएगा, यहाँ पे 6,000 अगर हम लिख दें तो 3:0 कट जाएगा, 3:6 का विनय और सहजानंद का, यानी कि विनय और सहजानंद का लाभ का अनुपात जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा 3:6। ये तो समझ में आया। अब देखो रुपया गुना समय ये किसका लिखेंगे, सबसे पहले देखो किसका बात क्या, यदि व्यापार में विनय 5,000 रुपया लगाकर उसमें प्रवेश किया, यानी कि रुपया पूरे वर्ष के लिए लगाता है, तो 5,000 इसका विनय का, ठीक है हम विनय का लिख रहे हैं, तो विनय ने 5,000 लगाया तो 5,000 कब तक के लिए, पूरे साल के लिए, पूरा साल बोला है 5,000 रुपया पूरे वर्ष के लिए, तो गुना 12 बटे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है क्या कि 6 महीना के बाद उसमें सदानंद ने 6 महीना के लिए लगाया, अरे कितना लगाया वही बताना है, तो हम बोलेंगे 100 रुपया लगाया 6 महीना के लिए लगाया, ये किसका लाभों का अनुपात, लाभों का अनुपात कितना था 3:6, विनय और इसका 3/6 बोल सकते हैं, यहाँ कर दो 3/6। ठीक है, तो 6/6 कट जाएगा, 3×12 कट जाएगा, 5×20 यानी कि x बराबर कितना होगा 20,000, यानी कि उसने 20,000 रुपया लगाया था, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे बनाएंगे इस तरह के सवाल को, थोड़ा सा क्या किया अब सवाल को पीछे से करके दे रहा है, यानी कि आपको पैसा निकालना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन ट्रिक तो मेरा वही है लाभांशों का अनुपात, शुरू से वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, सब सवाल आसानी से बनाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 33। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो कहता है क्या, ए और बी मिलकर एक व्यापार में कुछ पूंजी लगाते हैं, वह लाभ को अपने पूंजियों के अनुपात में 2:3 के अनुपात में विभाजित करते हैं, यदि ए की पूंजी 40 रुपये हो तो बी की पूंजी क्या है। ठीक, देखो आसान क्वेश्चन है, देखो जब साल की बात ना करें ना तो समझो कि वो जो भी साल रहा, 2 साल रहा तो दोनों करा, 3 साल रहा तो दोनों करा, 5 साल रहा तो दोनों करा, सबका साल बराबर था। ठीक है, तो साल साल तो ऑलरेडी दोनों का कट जाएगा, क्योंकि दोनों आदमी का अगर रेशियो में डालेंगे तो कट ही जाएगा, जो बराबर होता है अभी जस्ट बताए, तो हम यहाँ पे कहेंगे ठीक है उसने कितना लगाया है 40 रुपया ए ने लगाया, तो ए अनुपात बी को हम लिख सकते हैं a/b। ठीक है, यानी कि a/b की अगर हम बात करें तो ए ने कितना लगाया 40 रुपया लगाया, और बटे बी का तुमको पैसा चाहिए तो b/x मान लो, यानी कि बी का रुपया, बी की पूंजी 100 रुपया था, बराबर उसके लाभों का अनुपात कितना है, देखो ध्यान से 2:3 है। ठीक है, और उनके पूंजी के यानी कि लाभ को अपने पूंजियों के अनुपात में 2:3 के अनुपात में है, तो 2/3 सिंपल सी बात। ऐसा क्यों, अभी तो बताए थे लाभांश का अनुपात। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको कटा लेंगे, 20×40
और इसको गुणा कर देंगे, x बराबर क्या होगा 60, ठीक है। तो 60 यानी कि 60 रुपये आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। सिंपल सा सवाल है, चाहोगे तो आसानी से बना सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन 34 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो क्वेश्चन कहता है कि मनोज 9000 रुपया के लाभ में से 6000 रुपया पाया, जिसे वह रमेश के साथ मिलाकर एक साल में कमाया था। यदि मनोज 20000 रुपया 6 माह के लिए निवेश किया तथा रमेश अपनी पूंजी पूरे वर्ष के लिए, तो बताएं रमेश को कितना रुपया निवेश किया। देखो रमेश पैसा चाहिए, अब लाभ दिया होगा, ठीक है। तो आपको क्या बताए थे, रुपया गुना समय बटे रुपया गुना समय, ये ना आपका जो है ये आपका एक रेशियो को ही बताता है ये, ठीक है। और बराबर लाभ बटे लाभ, ठीक है, यानी कि किसका किसका दोनों आदमी का, लाभ वन लाभ टू, ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। ये होता है, लेकिन लाभांशों का अनुपात होता है रुपया गुना समय अनुपात रुपया गुना समय, और उसको हम फ्रैक्शन में कर रहे हैं क्योंकि हमको देखो ऊपर का पहला लाइन क्या लिखा है, मनोज 9000 रुपया के लाभ से 6000 रुपया पाया, 9000 रुपया हमें 6000 पाया, अगर 9000 लाभ है और किसने पाया है, ध्यान से देखो मनोज ने 6000 पाया, तो मनोज का कितना पैसा हुआ, मनोज का हो गया 6000, ठीक है। तो मनोज का अगर 6000 हुआ तो उसके बाद और एक आदमी था रमेश, रमेश का कितना हो जाएगा, रमेश का हो जाएगा 9000 माइनस 6000 यानी कि 3000, ठीक है। तो ये तीनों जीरो, दोनों जीरो, दोनों का रेशियो में कट जाएगा, ऑटोमेटिक कट जाएगा, 6 अनुपात 3 हो गया। तो यानी कि अब देखो पहला रुपया कितना लगाया, मनोज ने 20000 रुपया 6 माह के लिए लगाया, तो 20000 यहाँ लिख दो, और कितना समय के लिए 6 माह के लिए, बटे दे दो, आगे बढ़ो। अब कहता है क्या निवेश किया, अब कहता है क्या कि रमेश अपनी राशि पूरे वर्ष के लिए, पूरे वर्ष के लिए लगाया, कौन रमेश, ठीक है। ये तो किसका लिखे हम लोग, मनोज का, और रमेश ने पूरा वर्ष के लिए राशि लगाया, राशि तो नहीं पता है, तो गुना एक्स दे दो राशि को और गुना पूरे वर्ष को 12 दे दो, और यहाँ पे लाभ का अनुपात कितना है, 6 अनुपात 3, 6/3 कर दो, ठीक है, कटा लो आंसर रहेगा, 6 कटा लो, 3 × 12 कटा लो, 4 × 5 = 20 कटा लो, यानी कि आपका कितना आया, 5000 आपका आंसर हो जाएगा, और 5000 आपका आंसर है 4 नंबर आंसर है, क्लियर है, आसान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 35 की बात करें तो क्या कहता है, ए बी सी 3:5, 5:7 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ किया, एक वर्ष बाद सी ने 337600 रुपया और निवेश कर दिए तथा ए ने 45600 रुपया निकाल दिए। अब निवेशित धनों का अनुपात 24:59:168 टन हो गया, आरंभ में ए ने कितना धन लगाया था, ठीक है ना, आसान सवाल है, आसान सवाल नहीं है, ठीक है। और आप लाइक नहीं करते हो ऐसे सवालों को, मैं आसान बताऊंगा लेकिन आप लाइक करना इस बार, ठीक है। अगर आप नहीं किए तो लाइक ज़रूर करना, अगर ये सवाल आपको आसान लगे मेरे विधि से तो समझो आपकी चर्चा यहाँ पे क्या है, ए बी सी 3:5:7 है, ए अनुपात बी अनुपात सी, हम देखो क्या रिलेट करना चाह रहे हैं, 3:5:7, सबसे पहले समझो, सारी एक बात को समझा रहा हूँ। अब कहता है क्या, सी ने उसमें डाल दिया, लेकिन हमको एक बात बताओ, हमको पैसा किसका चाहिए, हमको ए से चाहिए, और इसका जो लाभ का अनुपात दिया है लास्ट में देखो धनों का, इनके निवेशित धनों का अनुपात 24:59:167 है, 167 है, और ये भी ए बी सी है, ठीक है। अगर हम इसका ए भी लेंगे ना, अगर हम इसका ए भी लेंगे तो इसका ए भी ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है, और अगर हम इसका बी सी लेंगे तो इसका बी सी ले सकते हैं, इसके साथ रिलेट करना सीखो, ठीक है। जब पैसा कोई लगाता है, पूंजी जब लगाता है, तो अगर अनुपात में रहे तो उसको एक्स में मान सकते हो, क्योंकि वो कितनी राशि हमको नहीं पता है, एक्स के टर्म में मानते हैं, तो हम ए बी का रिलेशन इसके साथ ए बी के साथ जोड़ेंगे। तो देखो हम कह सकते हैं 3x/5x, ये क्या है, पूंजी है, और उसका जो भी उधर अनुपात में दिया हुआ है तो उसका रिलेशन इसके साथ जोड़ दो, 24:59, ठीक। अब यहाँ तक तो करने के बाद, अब यहाँ पे देखो कोई पैसा निकाल रहा था, कोई डाल रहा था, तो कौन दिया था, सी ने इतना रुपया निवेश किया, मैंने उसमें डाला, और ए ने 45600 रुपया निकाला, 45600 जो निकाला ना उसका माइनस होगा, यानी कि ए ये है ना हमारा, तो इसने निकाल दिया 45600, ये आपका निकाला है, ठीक है। अब रही बात कि इसको हम सॉल्व कैसे करें, बहुत टेंशन हो जाता है ना, हम आपको बताते हैं। देखो एक्स वाला टर्म जो होगा एक तरफ रहेगा, तो आप क्या करना, 59 × 3 करना, क्या होगा, 9 × 3 = 27 के साथ हासिल दो, 5 × 3 = 15 = 16 = 17 177x, और फिर इधर वाला एक्स वाला टर्म को करना, क्योंकि ये माइनस में होगा, ठीक है, क्योंकि जब इधर आएगा कोई चीज़ बराबर किस पर तो माइनस में होगा, माइनस कर देना 24×5 = 120x,
बराबर। और इसको आप गुना नहीं करना, आप इसको क्या करते हो, गुना कर देते हो, गुना नहीं कर पाओगे, ठीक है, बहुत समय लगेगा। तो आप इसको गुना में लिखना 456000 × 59, ठीक है, ऐसा लिख देना। अब इसको घटा लेना, 177 में 120 चला जाएगा, 120 जाएगा तो कितना बचेगा, 57 बच रहा है, 57 बराबर हो जाएगा 456000 × 59, ठीक है। अब इससे कटाना है, अब ये कटेगा, ये तो नहीं कटेगा, इससे ये कटने की संभावना है, यानी कि कटेगा। देखो सत का टेबल पढ़ो, 7 का टेबल में 6 कितने बार में आएगा, 7, 8, 56, 8 बार में ये कटने की संभावना लग रहा है, तो इसको 8 बार में कटा दो। और संभावना क्या, गुना करके देखो ना, 8, 7, 56 की 84, 5, 8, 5, 40 और 5, 45, 8 बार में कट गया। अब इसको गुना करो, 59, 8 कितना होगा, 9, 8, 72 की 2 हासिल क्या हुआ, 7, देखो 2 जीरो बचा हुआ बाद में रख देंगे, और 8, 5, 40 और 7, 47, ठीक है, 47,200। ये किसका वैल्यू आया, ये एक्स की वैल्यू आया, किसका पैसा चाहिए, ए का, ए का क्या मान हो, 3x, ए का क्या है, 3x, तो ए की पूंजी होगा 3x, बराबर होगा 3 × 47,200, गुना कर दो, 3 × 00 पर लिख दो, 7, 3 × 6, 7, 21 की 1 हासिल 2, 4, 3, 12, 13, 14, ठीक है, 141,600 आंसर है रुपया, यानी कि आपका यह आंसर 3 नंबर आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे बनाया जाता है इस तरह के सवाल को, सवाल काफ़ी अच्छा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और ऐसे ही सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए इसी तरह से जल्दी जल्दी वीडियो बनाए, थोड़ी सी तो हेल्प करना है मेरी। तो चलिए, सब्सक्राइब और लाइक, कॉमेंट भी करना है, कॉमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है आप लोगों को। चलिए 36 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है कि राजकिशोर 1200 रुपया लगाकर एक दवा की दुकान खोलता है, शंभु तथा उपेंद्र क्रमशः 3 माह तथा 6 माह के बाद कुछ रुपये के साथ व्यापार में शामिल हो जाते हैं, यदि वर्षांत में वे लोग लाभ को 2:3:5 के अनुपात में बांटते हैं तो बताओ शंभु कितने रुपये के साथ व्यापार में शामिल हुआ था। अच्छा सवाल है, आसान सवाल है, लेकिन आपको वही सवाल की बात कर रहा है कि यहाँ पर देखो शंभु की बात कर रहा है, शंभु, और राजकिशोर ने 1200 रुपया लगाकर एक दवा की दुकान किया और शंभु तथा उपेंद्र उसमें गया, तो 3 नाम आ गया राजकिशोर। देखो आसान है, लेकिन आपको ना पहले समझने के लिए हम सब बात लिखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। शंभु और उपेंद्र, आपका क्या क्या पैसा, देखो यहाँ पर 3 बातें, 1200 ये लगाया इसने, राजकिशोर ने पहले 1200 लगाया, ठीक है, और शंभु और वो भी गया है, ठीक है, और 3 माह और 6 माह के बाद जो है वो गया है, तो देखो ये तो साल भर के लिए लगाया, तो ये तो गुना 12 हो जाएगा, 12 महीना अनुपात। शंभु की बात करते हैं, शंभु 3 माह के लिए, यानी कि शंभु तथा उपेंद्र 3 माह तथा 6 माह के बाद कुछ रुपये के गया, और वर्षांत में लाभ का अनुपात, देखो इन लोग का लाभ का अनुपात भी दिया है, तो लाभ का अनुपात कितना दिया है, लाभ का अनुपात 2:3:5, 2:3:5, इसका मतलब हमको किसका पैसा चाहिए, हमको पैसा चाहिए शंभु का, तो देखो तो इतने टर्म में हमको तो आंसर दे रहा है, इतने टर्म आंसर दे रहा है, ठीक है, इधर 2 ले लो, इधर 2 ले लो, उपेंद्र से कोई मतलब नहीं है, तो हम कहेंगे ठीक है, इसने लगाया 1200 × 1200 × 12 बटे, ठीक है, अब किसका पैसा, शंभु का, बाद में बोला है शंभु कितने रुपये के साथ व्यापार में शामिल हुआ था, तो 100 रुपये के साथ, कितना समय के लिए गया है, कितना समय बाद गया, तो शंभु तो 3 माह तथा 6 माह के बाद गया, तो 3 महीने के बाद गया कोई आदमी, बोलो 1 साल के लिए काम करेगा, 3 महीने बाद कोई गया तो 9 महीने के लिए गया, तो इसका 9 महीना लिख दो, और बराबर लाभ का अनुपात इसका 2/3 लिख दो, यहाँ से रिलेट किया आपको, ठीक है, इस तरह से भी नहीं बनाना है। अब देखो इसको कटा लो, कैसे कटाओगे, तो देखो 3 से कटा सकते हो, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 2 × 2 = 4, ठीक, 12 × 2 = 24, यानी कि एक्स बराबर कितना हो गया, 2400 रुपया आंसर हो गया। तो ऐसे बनाओ, कहीं दिक्कत नहीं होगा, है ना आसान। चलिए 36 के बाद 37 नंबर देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, क्या कहता है, पी और क्यू दो मित्रों ने 5:6 के अनुपात में राशि निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया, 6 महीने के बाद उसमें आर शामिल हो गया जिससे
क्यू की राशि के बराबर धन लगाया था। वर्ष के अंत में 20% का लाभ जो 98,000 रुपये के बराबर है अर्जित किया गया। आर ने कितनी राशि निवेश की थी? आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे बनाओगे इसको। आपको ऐसे सवालों के लिए सबसे पहले समझना कि क्या क्वेश्चन में कहा, कि साल भर का तो बात है, उसमें से आर गया है 6 महीनों के बाद, तो यानी कि पी क्यू आर की बात करते हैं, पी अनुपात। पी गया है 5:6 लेके, 5:6, तो ये कितने साल के लिए? 12 महीने के लिए, गुना 12 करना अनुपात। ये भी गया है 6 गुना 12, ये रुपया गुना समय कर रहे हैं, याद रखना। और सारे क्वेश्चन तो एक ही विधि से बन रहा है। और ये जो गया है ना लास्ट में, जो आर गया है क्यू के बराबर पैसा लेके गया, और 6 महीने के बाद क्यू का रेशियो क्या था? 6, और कितना महीने के बाद? 6 महीने के बाद, ठीक है। देखो जो एक जैसा दिख रहा है कटा दो, 6 कट गया, 6 दुना कट गया, दोबारा में इससे कटा लो, 2 6 12, ठीक है, और 2 3 6, क्या बचा मेरा? 5:6:3 बचा, ये टोटल हो गया। अब आगे पैसा की बात करता है कि देखो 20% के लाभ जो 98,000 रुपये के बराबर है, यानी कि 20% के बराबर है कितना? 98,000, ठीक है। तो यहाँ से एक पैसा मिलेगा हमको 100%, कितना हो जाएगा? देखो ध्यान से, 0 0 कटा लो, 49 2 98 00, ठीक है, इसको इससे गुना कर दोगे तो क्या होगा? इतना हो जाएगा 100%, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि ये टोटल पैसा हो गया 100%, और टोटल पैसा तीनों का कितना होगा? 6 5 11 और 3 14, यानी कि 14 यूनिट का मान है मेरे पास, 4 9 0 0 0 0, इतना हो गया। हमको किसका पैसा चाहिए? आर का, तो यानी कि 3 यूनिट निकालना है, तो 3 यूनिट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 4 9 2 3 4 0 / 14 × 3, कटा लो, 14 14 28 14 3 42, 42 9 2 7, 14 5 70 0 0 0, ठीक है। 3 से गुना कर दो, 0 0 0, 5 15 1 5 80 1, 3 3 9 1 10, 105, यानी कि 1,05,000 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो आंसर 2 नंबर ऑप्शन में, क्या ऐसे बनाओ कहीं दिक्कत नहीं होगा। देखो कैलकुलेशन थोड़ा सा है इसमें, लेकिन कुछ है नहीं, आसानी से तो बनता है, ठीक है। एक बार अगर पेन पकड़ोगे तो सीधे बना के ही छोड़ोगे, ठीक है। चलिए 38 नंबर देख लेते हैं अगला सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है कि मोहन, ललन और नवल 700 रुपया में 1 सप्ताह के लिए एक कार भाड़े पर लिया। देखो कार ला रहा है भाड़ा पे 700 रुपया में। यदि वे लोग कर्म से 6 घंटे 10 घंटे तथा 12 घंटे इसका प्रयोग करें तो किसका, नवल का कितना रुपया देना पड़ेगा? देखो आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से बना सकते हो। क्या करना, ध्यान से समझो, 700 रुपया है ना टोटल, 700 रुपया ये तीनों ने मिलके लाया, यानी कि उसमें तीनों ने, सोहन ने, ललन ने और नवल ने, तीनों ने लाया। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि पैसा का कितना किसको लगेगा, ठीक है। तीनों ने पैसा दिया होगा, लेकिन कितना कितना देगा? तो देखो जो ज़्यादा घंटा समय, यानी कि जो ज़्यादा समय यूज करेगा वो ज़्यादा पैसा देगा, जो कम समय यूज करेगा कम पैसा देगा, क्योंकि यहाँ घंटे दिया हुआ है, तो घंटे को रेशियो मानना होगा। 6 10 12 का घंटा हो गया, यानी कि यहाँ पे 6 घंटा 10 घंटा और 12 घंटा, और किसका किसका है? मोहन, ललन और नवल। मोहन, ललन और नवल, ठीक है। ये तो हमको यहाँ पर देखो 6 10 12 है, और 700 तीनों ने लगाया अगर पैसा, तो किसका कितना पैसा है वो बताना है। तो लास्ट में तो आपको नवल का चाहिए, नवल का बताना है इसका पैसा। तो एक बात बताओ, इसको ऊपर लेना, आप कटा लो, ऐसे भी जोड़ सकते हो, 10 16 और 12 हो जाएगा 28, यानी कि कटा लो, 3 से कटा लो, 2 से कटा लो, 2 3 6 5 6, ठीक है, 6 5 11 3 14, यानी कि तो तीनों ने पैसा जो मिलाया था 14 यूनिट मिलाया था, और 14 यूनिट बराबर कितना होता है? 700, ठीक है, 700 यूनिट हो गया। अब हमको इसका पैसा चाहिए, तो देखो 14 5 70, ठीक है, 50 हो गया, इसको गुना कर दो नवल को, नवल बराबर का 6 गुना 50, 6 5 300, यानी कि 300 रुपया नवल देगा। पैसा समय के अकॉर्डिंग देगा, ये भी आपको याद रखना है कि जितना जो समय यूज करेगा उतना देगा। अगर आपको इसका ललन का बोलता तो आप ललन का निकालते, इस 50 को इस 5 से गुना करते, तो 5 25 250 होता, और अगर हम मोहन का निकालते तो इस 50 से 3 को गुना करते, 5 3 15 150 होता, और अगर हम तीनों को जोड़ते तो 700 रुपया होगा, ठीक है। ऐसे देखो 200 और 100 300 400 और 300 700 हुआ ना, तो ऐसे समझा जाता है इस तरह के सवाल को, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए 39 और 40 दो सवाल देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।
देखिए अगर क्वेश्चन 39 बोला जाए देखा जाए तो वही सवाल है। क्वेश्चन कहता है कि ए और बी 10 महीने के लिए किसी मैदान को किराए पर लेता है, वही मैदान किराया पर लिया आपकी बात, जिसमें से ए अपनी 80 गायें 7 महीने तक रखता है, तो बताएं कि बी शेष समय के लिए कितनी गायें रख सकता है यदि वह ए जितना देता है उतना ही तथा उससे आधा अधिक देता है, यानी कि उतना ही जो होता है ना बी जो है ना उतना ही उससे अधिक देता है ये बोल रहा होगा। तो देखो आसान क्वेश्चन होगा, कैसे बनाओगे 39, हमको यहाँ पे ये सोचना है कि देखो समय कितना है, 10 महीना समय है 10 महीना, ठीक। अब इस 10 माह से हमको क्या रिलेट करना है, देखो ए और बी की बात कर रहा है, ए और बी, ठीक। अगर ए और बी की बात कर रहा है तो ए कितना लगाया, देखो ए और बी 10 महीने के लिए किसी, हाँ 10 ए और बी दोनों लगाया, जिसमें से ए अपनी 80 गायें, ठीक है, ए अपनी 80 गायें 7 महीने के लिए, ए जो है ना 80 गायें लगाया और कितने महीने के लिए, 7 महीने के लिए गुना 7, ठीक है, और ये जो है ना तो इसको बट्टे में डालते हैं, ठीक है इधर का। अब देखो आगे फिर बोला लास्ट में बोला यदि वह तो बी शेष समय के लिए कितनी गाय रखता है, बी जो है ना कितना गाय रखता है तो एक्स गाय रखता है, शेष समय के लिए 10 महीना लगाया तो ये 3 महीना के लिए लगाया, और बराबर आगे क्या बोला है कि यदि ए जितना देता है उतना ही तथा उससे आधा देता है, ठीक है, आधा अधिक देता है, ए देता है मान लेते हैं कि 2 देता है, ठीक है, ए मेरा 2 दिया तो उससे आधा, 2 का आधा क्या 1, और 1 अधिक दिया तो कितना दिया 2, 3 दिया, ठीक है, ऐसे समझ लो। आप कुछ भी मानोगे, अब मान ले 10 मानते हो, 10 अधिक ये 10 दिया तो 10 का आधा 5 से अधिक 15 ये देगा, ऐसे सोच लेना। अब वो 3 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 40, 7 4 28, एक्स बराबर होगा 280 रुपया, आंसर है 280 है, तो आंसर 3 नंबर हो गया, तो ऐसे बनाना। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है कि ए बी और सी ने मिलकर एक चारागाह 800 रुपया में किराए पर लिया, सेम क्वेश्चन, ए उसमें 50 गायें 2 महीने तक, बी उसमें 80 गायें 5 महीने तक तथा सी उसमें 60 गायें और 30 बछड़े 4 महीने तक चराता है, यदि एक गाय उतना ही खाती है जितना 2 बछड़े खाते हो, यानी कि 2 बछड़े, तो सी को कितना किराया देना होगा। आसान क्वेश्चन है, देखो एक गाय के बराबर है 2 बछड़ा, अगर 30 बछड़ा है तो कितना गाय के बराबर होगा, 15, ठीक है, आपको ये समझ के काम कर लेना। तो देखो 40 नंबर, ए अनुपात बी अनुपात सी, तीनों का पार्ट लिखते हैं पहले। देखो तो 800 रुपया में लिया है, टोटल पैसा अमाउंट कितना है 800 रुपया, आपको ये समझना है। अब देखो ए कितना गाय चरा रहा है, ए उसमें से 50 गाय 2 महीने तक, देखो अगर ए उसमें से 2 महीने तक, बी उसमें से 80 गाय 5 महीने तक, ए जो है ना 50 गाय लगाया है 2 महीने तक, तो 50 × 2 अनुपात, ठीक आगे बढ़ो। बी उसमें 80 गाय 5 महीने तक, बी जो है ना 80 गाय 5 महीने तक, ठीक है, एनर्जी मेरी लॉस, ठीक है, इतना लंबा समय तक पढ़ा रहे हैं आप लोग को, 80 5 महीने तक, 80 उसमें 60 गायें 30 बछड़े, 60 गायें और 30 बछड़े, तो देखो सी जो है ना 60 गायें, हम बता रहे हैं आपको 60 गायें और 30 बछड़ा, और एक गाय के बराबर है 2 बछड़ा, तो यानी कि 30 बछड़ा के बराबर होगा 15 गाय, तो 60 और 15 कितना होगा 75, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 75, समझ रहे मैं आ रहा है, एक गाय के बराबर है मेरा 2 बछड़ा, ये समझना बात को, ठीक है, यानी कि ऐसे भी बोल सकते हो 2 बछड़ा बराबर है 1 गाय, ठीक है, ऐसे लिखो 2 बछड़ा बराबर 1 गाय, तो 30 गाय 30 बछड़ा, 30 बोला है वहाँ पे, 30 बछड़ा 30 बछड़ा बराबर 1/2 × 30, यानी कि 2 से कटाओगे 15, यानी कि क्या होगा 15 गाय हो जाएगा, ठीक है, तो वही बोला यानी कि 15 गाय और उधर कितना गाय, हम उसको गाय में चल जाएंगे, तो उधर कितना गाय बोला था 60 गाय, हाँ 60 और 15 जोड़ दिए यहाँ पे, यहाँ क्या किए हैं 60 + 15 किए हैं, ठीक है 75 हो गया। अब इसको कटा लो, 5 से कटा लो, 5 × 5 50, 15 × 75, ठीक है, और कटा लो 5 से कटा लो, 5 × 2 = 10, 5 से कटा लो, देखो कटाने का जो विधि आप कटा सकते हो, 16 × 5 = 80 और 5 × 3 = 15, ठीक है, और 2 से कटेगा नहीं, 16 17 18 19 20 21, ठीक, तो कहीं मिस्टेक हुआगा, लास्ट पे गलतियाँ हो जाती है, कहीं तो कुछ गलत हुआ होगा, देख लो, देखो 50 × 2, पहले क्वेश्चन देखने तुमको, ए उसमें 50 गायें 2 महीने तक, बी उसमें 80 गायें 5 महीने तक चलाता है, यदि
तथा सी उसमें 60 गायें और 30 बछड़े 4 महीने तक। देखो यहाँ पे 4 लिख भी नहीं किया, ठीक है 4 महीना लिखना होगा तब ना। अब देखो इसको कटा लो, 4 दो से कटा लो, 2 एकम 2 और यहाँ भी 2 बचा हुआ है। अच्छा 2 दूना 4 सॉरी 2 8 16 आसान है बना लेना जी आप लोग, 2 दूना 4 ठीक है। अब क्या आया 2:8:6 ठीक है, अभी भी कट रहा है। देखो 2 एकम 2 2 चौक 8 2 3 6 4 3 7 1 8 ठीक। तो ऐसे बनाना कहीं दिक्कत नहीं होगा, बना लेना कहीं में। हाँ तो 8 हो गया ना, तो 8 यूनिट का अमाउंट कितना है 100, 800 दिया हुआ है कुल पैसा ठीक है। तो 8 एकम 800 100 हो गया। किसका पैसा चाहिए हमको, सी का, तो सी में गुना कर दो ना, 300 रुपया हो जाएगा आंसर ठीक है। 300 आसान है। देखो हम इसलिए इतना इजीली बता दिए कि क्या लास्ट लास्ट में सवारी सब खुद बनाओ अपने से, आपको खाली ये रिलेट करने सिखा दिए, डालो और खुद बनाओ ठीक है। हमको पता है आप लोग बना सकते हैं, बस मेहनत नहीं करना चाहते हैं, बना बनाया मिलता है, देखते जाते हैं। अरे थोड़ा मेहनत कीजिए, खुद बनाइए ठीक है, तब ना माइंड बढ़ेगा आप लोगों का। तो हम एक बार ऐसे फिर से बता देते हैं, हो सकता है आप लोगों को समझना। ए उसमें से 50 गायें 2 महीने तक, चलो ए ने 50 गायें 2 महीने तक रेशियो दे देना, आगे बढ़ो उसमें से कहता है क्या 80 गायें 5 महीने तक, बी ने 80 गुना 5 और यहाँ पर तो आया था 75 और कितने महीने 4 महीने के लिए। अब इसको कटने का झंझट जिसको होता है ना, दूसरा तरीका से कटाते। देखो अगर हम बड़ा अंक ले लें, 5 कटाओ 5 50 16 5 80 और 15 5 75 ठीक है, ये कटा लिए और कटेगा आपका ठीक है। 5 से कटा लो, 5 2 10 5 1 5 5 3 15 और कटा लो, 2 से कटा लो, 2 8 16 ठीक है, 2 8 16 और 2 2 9 4 ठीक, और कटा लो 2 1 2 2 4 8 2 1 2 ठीक है, ऐसे कटा लो और 1 4 अब देखो 4 3 7 1 8 यहाँ पे रेशियो आ गया 4 3 7 1 8 8 का मान कितना था 800 था, कटाओगे कितना होगा 100। किसका पैसा चाहिए, सी का, 3 गुना 100 करोगे कितना होगा 300। ऐसे बस कटने सीखो अब, जो जो सम मिले जल्दी जल्दी कटाओ या आधा आधा करके कटा सकते हो, तो 300 आपका 3 नंबर आंसर हो जाएगा। चलो 40 तक ही हम लोग रखेंगे आज, कल की क्लास में 41 से देखेंगे और इसका मैं लिंक जो है आई बटन पे दे दूंगा, वहां से देखना, ये स्क्रीन पे आता होगा वो आप टच करके देख सकते हो, पिछला पार्ट आपका पूरा आ जाएगा देख सकते हो आई बटन से ठीक है। और डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहां पर भी लिंक रहता है। कैसा लगा कमेंट करके बताना, लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे। आप लोग का छोटा सा सहयोग मेरे लिए बड़ा सहयोग के बारे में, थोड़ा सा सहयोग कीजिए। गुड बाय, फिर कल मिलते हैं।